डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समार। आई विल एक्सप्लेन टू यू रिगार्डिंग द नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट डू यू मीन बाय द नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? सबसे पहले नेशनल इनकम की डेफिनेशन। नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट रेफर टू द मॉनेटरी वैल्यू। जो राष्ट्रीय है या राष्ट्रीय उत्पाद भी कह सकते हैं हम इसको, नेशनल इनकम को नेशनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, रेफर टू द मॉनेटरी वैल्यू, इसकी मौद्रिक कीमत ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर। एक वर्ष में जितनी भी मौद्रिक उसकी कीमत है, सभी वस्तुओं और सेवाओं की जितनी भी मौद्रिक कीमत है, उसको हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। काउंटेड विदाउट डबल काउंटिंग, जिसमें दोहरी गणना ना हो, अभी समझा दूंगा दोहरी गणना कैसे होती है। इंक्लूडिंग नेट फैक्ट्री इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड, और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी शामिल है। एक बार दोबारा से, जो राष्ट्रीय आय है हमारी, जिसको हम राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि जितनी भी वस्तुएं सेवाएं एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में पैदा होती हैं, ड्यूरिंग ईयर वन ईयर, एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक कीमतों के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें डबल काउंटिंग शामिल नहीं होती और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाएं इसमें शामिल होती है। ये होगी इसकी डेफिनेशन, यहां से लगा करके नेशनल इनकम से और एब्रॉड तक। अब नेक्स्ट, इसके बाद इसके कई कंसेप्ट हैं। पहले इसके कुछ फीचर्स देखते हैं हम, कौन कौन सी मेन फीचर हैं। जो अभी अभी डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी फीचर हैं, या इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। नेशनल इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला, जो पहली फीचर है, फर्स्ट, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। जितनी वस्तुओं सेवा का प्रोडक्शन होता है एक वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, उन सब की मौद्रिक कीमत को इसमें आंका जाता है। मॉनेटरी वैल्यू मीन्स मौद्रिक कीमत, मुद्रा के रूप में जो इसकी वैल्यू होती है, दैट इज नोन एज द मॉनेटरी वैल्यू। एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर एक अप्रैल से लगा करके और अगले वर्ष के 31 मार्च तक जो होता है उसको एक फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, तो उसमें उसकी जितनी वस्तुएं सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है उसकी मौद्रिक कीमत को इसमें मापा जाता है, पहली फीचर नेशनल इनकम में। दूसरा, इट रेफर टू द इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री विच इंक्लूड्स नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड। इसमें केवल जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, सामान्य निवासी, किसी देश के सामान्य निवासी, केवल उनको शामिल किया जाता है, और इसके अलावा उस देश के सामान्य निवासियों के अलावा जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाएं है, रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड, जो विदेशों से प्राप्त है नेट फैक्ट्री इनकम, जिनको NFIA बोलेंगे, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाएं, उसको भी इसमें हम शामिल करते हैं। ये क्या होती है NFIA, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मान लीजिए विदेश के व्यक्ति हमारे यहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं, यहाँ से परचेजिंग करते हैं, उसी प्रकार से हमारे देश के व्यक्ति विदेशों में जाकर के भी परचेजिंग करते हैं, वो भी सामान खरीदते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों को आपस में लेस कर दें तो वो कहलाएगा नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जितना हमने विदेशों में जाकर के परचेज किया है, विदेशों ने, विदेश के व्यक्तियों ने हमारे यहाँ पर जितना कुछ परचेज किया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो वो भी इसमें शामिल है, और देश के सामान्य निवासियों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं सेवाओं की कीमत भी इसमें शामिल है। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट, इट इज द इनकम कंप्यूटेड विदाउट डबल काउंटिंग। ये जो इनकम है ये बगैर डबल काउंटिंग के होती है, बगैर दोहरी गणना के। कहने का मतलब, ओनली द फाइनल गुड्स वी कैन कैलकुलेट ओनली द फाइनल गुड्स। हम केवल अंतिम वस्तुओं को लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें विदाउट डबल काउंटिंग का है, बगैर दोहरी गणना के। दोहरी गणना का मतलब क्या है? आमतौर से क्या होता है जनरली, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, शुगर मिल है,
शुगर मिल में हमने शुगर जो चीनी का प्रोडक्शन हुआ उसको भी ले लिया, और किसान से जो गन्ना आया कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में, उसको भी इंक्लूड कर दिया। इसको कहेंगे हम डबल काउंटिंग। दूसरा एग्जांपल, तो इसमें डबल काउंटिंग को हम इसमें डबल काउंटिंग को इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ओनली द फाइनल गुड्स कैन बी कैलकुलेटेड। दूसरा एग्जांपल डबल काउंटिंग का ये है, जैसे मान लीजिए कपास है, खेत में पैदा हुई, किसान से उसका मूल्य मालूम कर लिया, वो भी हमने वैल्यू ले ली, और कपास से जो धागा तैयार हुआ कच्चा धागा उसकी भी हमने कीमत ले ली, ये डबल काउंटिंग है। होना क्या है, जो अंतिम वस्तु बनाई गई है जिससे हमें कपड़ा तैयार किया है केवल वो काउंट किया जाएगा, कपास को उसमें काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, तो ये इनकी फीचर थी। सबसे पहला बता मैंने मॉनेटरी वैल्यू को केवल इंक्लूड करते हैं, बाकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। दूसरा बताया इसमें जो नॉर्मल रेजिडेंस है सामान्य निवासी उसकी इनकम को शामिल करते हैं, और साथ में जो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। तीसरा बताया इसमें डबल काउंटिंग को कभी भी शामिल नहीं करते, केवल फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली एईएन। जो अगली जो फीचर है वो ये है, जनरली इसकी जो कैलकुलेशन करते हैं वो एक वर्ष के लिए करते हैं, और वो नॉर्मल अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से शुरू होकर के और अगले वर्ष के 31 मार्च तक, दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल ईयर, इसको बोल लेंगे हम वित्तीय वर्ष, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद इट डज नॉट इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स इन इट, देयरफॉर नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें NIT बोलते हैं इसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इसमें हम शामिल नहीं करते, जो नेशनल इनकम है उसमें नेट इनडायरेक्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। इसलिए जब भी नेशनल इनकम निकाली जाएगी उसका शॉर्ट फॉर्म कहलाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात NNPFC के नाम से इसको जाना जाता है। NNPFC का मतलब नेशनल इनकम, वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब इसमें 8 इसके कंसेप्ट हैं जो फंडामेंटल हैं, उन कंसेप्ट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो 8 कंसेप्ट होते हैं इसके नेशनल इनकम के, ये सभी तुम्हारे सिलेबस में हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट और इसके शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा जाता है वो सामने लिखा है। सबसे पहला कंसेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको शॉर्ट में कहेंगे हम GDPMP। जब जब भी GDPMP बोला जाएगा इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जी से ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDPMP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकेंड, जो सेकेंड कंसेप्ट है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GDPFC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GDPFC शॉर्ट फॉर्म। थर्ड कंसेप्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, यहाँ पर MP लिख सकते हो, एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GNP MP, इसके सामने GNP MP हो गया ये थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GNPFC शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट नंबर 6, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस शॉर्ट फॉर्म NDPMP। 6, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हर एक का फर्स्ट वर्ड ले लिया, फर्स्ट लेटर NNPMP। 7th कंसेप्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NDPFC। एंड 8th एंड लास्ट कंसेप्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNPFC। ये जो लास्ट है जिसको बोला जाएगा NNPFC, इसी को ही हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। अगर ये पूछा जाता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, देन यू हैव टू कैलकुलेट NNPFC। NNPFC मीन्स द नेशनल इनकम।
राष्ट्रीय आय जिसको बोलेंगे, राष्ट्रीय आय और एनएनपीएफसी आर द सेम थिंग, ये जो लास्ट है। तो ये थे इसके 8 कंसेप्ट, फिर वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे।